नमस्कार दोस्तों, अरलीवुड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मिस मत कीजिएगा। देखिए जैसा कि थंबनेल देखा उसी पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, यदि आप अरलीवुड पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर को जो पूछना हो लाइक कर लेना, और उसके बाद कुछ पूछना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक दिया हुआ, कमेंट करके व्हाट्सअप पर पूछ सकते हो आप, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खुशखबरी क्या है, वीडियो में खुशखबरी जानेंगे। 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए मोरेटोरियम के ऊपर बात करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे। जिसको मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग मिल गया है, फिर उसको रिकवरी एजेंट वाले किस तरह से परेशान कर रहे हैं ये भी जानेंगे। साथ साथ बात करेंगे जिसको मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग मिल गया है, उसका लोन न तो डिफॉल्ट होगा न तो NPA होगा। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए आखिर मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जानिए, जो कुछ दिन पहले जो हम लोगों की वीडियो आई थी, ये देखिए इधर वीडियो RBI लोन आई थी 15-20 दिन पहले वाली वीडियो में, उसमें कमेंट आया हुआ ये देखिए कल के डेट में है। इसका नाम है दोस्तों सुरेश कुमार, ठीक है। सुरेश कुमार बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, ये आपके साथ भी हो सकता है। बोले सर लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, यानी RBI का जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 था, इसके तहत 2 साल का मोरेटोरियम मिलता है, ले सकते हैं, 2 ईयर्स का रीस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं, ठीक है जी। अब यदि आपका लोन अकाउंट 31 मार्च 2021 तक क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, तो ले सकते हैं, ठीक है। अब ये बैंक के सोल डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसका मामला क्या है, इसका मामला ये है, इसका लोन रीस्ट्रक्चर हो चुका, लेकिन अब कलेक्शन वाले बोल रहे हैं कि आपका रीस्ट्रक्चरिंग कैंसिल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ तो इसका लोन रीस्ट्रक्चर हो चुका है, दूसरे तरफ बोल रहे हैं रिकवरी वाले, कलेक्शन यानी रिकवरी वाले इसको बोल रहे हैं आपका रीस्ट्रक्चरिंग कैंसिल हो गया है। अब रीस्ट्रक्चरिंग कैंसिल भी होता है क्या एक बार होके, ये भी बात करेंगे। क्या RBI की कोई नई गाइडलाइन है क्या सच में, ठीक है। तो इन्हीं सब पॉइंट पर बात करेंगे। इस पॉइंट पर इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों बात करेंगे, यदि आप अर्निंग करना चाहते हो, यदि आप पैसा कमाना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ, उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ वेबसाइट ओपन करोगे, थोड़ा पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा अर्लीवुड अर्निंग प्रोग्राम। इस अर्निंग प्रोग्राम की खासियत यह है दोस्तों, आप अर्लीवुड के जो अकाउंट हैं, ठीक है जी, अर्लीवुड के जो एफिलिएट अकाउंट है, रेफर एंड अर्न अकाउंट है, ये ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का आपको 1 टाइम चार्ज लगेगा 599 रुपीज़, और इस अकाउंट में वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अर्निंग वाली और या फिर आपकी EMI पेमेंट वाली। दूसरी बात क्या है, जितने भी आप एडिशनल अकाउंट ओपन करोगे, उस एडिशनल अकाउंट ओपनिंग पर आपको 150 रुपया मिलेगा, ठीक है जी, 150 रुपया मिलेगा। अब 150 रुपया अब जितनी मल्टीप्लाइड करते जाना, जितना अकाउंट ओपन होगा और उतना आपका मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद दूसरा बात क्या है, जितने भी सेल परचेज होगा उस पर आपको एडिशनल 10% का मार्जिन मिलेगा, ठीक है। ये ओपन कर लीजिएगा, 1 टाइम आपको 600 रुपये लगेगा, लेकिन ये 600 रुपये नहीं, ये कई ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा आप यहाँ सीखेंगे भी और अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन, और यहाँ लिंक दिया हुआ ओपनिंग करने का, इस पेज पर मिलेगा आपको, जो वेबसाइट पर, ठीक है। हाँ, कुछ भी पूछना हो, कोई कमेंट रहता है लोन मोरेटोरियम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर टच कीजिए और सीधा कमेंट व्हाट्सअप पर आ जाओगे। हम लोग का जो टीम है इधर, जो सेपरेट टीम है, वो जो हैंडल करती है आप लोगों की क्वेरीज को, उधर से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो जी, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर इसका समाधान, इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। इनका लोन एक तरफ तो बैंक ने इसका लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया, दूसरी तरफ रिकवरी वाले बोल रहे हैं, कलेक्शन वाले, जो आपका रीस्ट्रक्चरिंग कैंसिल हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले इसको जाने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप मेन पॉइंट समझिए, जो RBI का जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 है, और इसके तहत जो आपको रीस्ट्रक्चरिंग मिलता है, एक ध्यान से सुना, कोई नहीं बताने वाला, ठीक है जी, रीस्ट्रक्चरिंग मिलता है, इसका कंप्लायंस जो है, कंप्लायंस क्या है दोस्तों, अपने आप में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है और कंप्लायंस ज़्यादा है इसमें, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। क्या कोई भी बैंक आपको एक बार रीस्ट्रक्चर, आपके लोन को रीस्ट्रक्चर करके फिर से वो कैंसिल कर सकता है क्या? नहीं करेगा यार, ठीक है। और रीस्ट्रक्चर लोन करने से पहले ही बैंक इतने सारे वेरीफिकेशन करती है, इतने सारे चीज़ें देखती है आपकी, तो फिर वो कैंसिल कैसे करेगा। यदि ऐसा बोल रहा है और यदि आपकी बातों को मान लिया जाए, यदि और आप रिकवरी एजेंट वालों के, जो कलेक्शन वाला, उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं बात जो है सही नहीं लगेगी आपको, ठीक है। यानी सबसे पहले जो पॉलिसी है वो जान लीजिए, जब एक बार लोन रीस्ट्रक्चर्ड हो गया तो उसके बाद उसको बैंक कैंसिल नहीं करेगी, ठीक है।
और जो रिकवरी वाला बोल रहा है, जो आपका कैंसिल हो गया है, आपका रीस्ट्रक्चर कैंसिल हो गया है, तो रिकवरी वाला गलत बोल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनते जाना कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो आपने क्लियर नहीं किया, जो आपने क्या रीस्ट्रक्चर क्या आपने अप्लाई किया था, ध्यान सुनना, क्या आपने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फिजिकली आपने अपने से जाके या तो एप्लीकेशन या रीस्ट्रक्चरिंग का जो बैंकों का जो प्रोसेस है उसके तहत अप्लाई किया था। यदि आपने अप्लाई किया और बैंक ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली वो अप्रूव कर दिया, ठीक है, और अप्रूव कर दिया, रीस्ट्रक्चरिंग आपका चालू हो गया, और जो ध्यान सुनते जाना, जो रीस्ट्रक्चर्ड ईएमआई है वो आप पे कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे। यदि रीस्ट्रक्चरिंग आपका अप्रूव हुआ होगा तो रीस्ट्रक्चरिंग में आपको मालूम है ईएमआई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ईएमआई कम हो जाएगा और आप बोल रहे हो जो लोन रीस्ट्रक्चर हो गया तो आप तो कम ईएमआई पे करोगे ना अगले महीने से, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है जो जब आप लोअर्ड ईएमआई पे कर रहे हो और बैंक आपके रीस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर दिया और रिकवरी वाले बोल रहे कलेक्शन वाला आपका कैंसिल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या तो आपने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया ही नहीं है, या तो ऐसा है जो आप किसी गलत फहमी में रह गए हो, ठीक है। यदि आपने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया और बैंक ने अप्रूव कर दिया आपके रीस्ट्रक्चरिंग को, तो फिर ऐसा रिकवरी वाले बोल ही नहीं सकता, ठीक है। यदि बोलता है ऐसा तो आप बैंक में रिटर्न में कंप्लेन दो और फिर रिकवरी वाले के ऊपर कार्रवाई, कलेक्शन वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है जी। इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं फिनिश। वीडियो को लाइक शेयर, कुछ पूछना हो कमेंट।